नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफड़ना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो निबंध पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी का, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे इन्होंने क्या लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यूं कहा है छायावाद नामक निबंध में, इन्होंने यूं कहा है कि भाई मध्यकालीन जो साहित्य है, याद रखना मध्यकालीन साहित्य जहां जहां ये शब्द प्रयोग में लाएंगे वहां वहां इसका मतलब होगा भक्ति साहित्य। जहां पर कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, जायसी ये सारे के सारे कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं, उन्हीं से हमारा मतलब होगा। तो ये यूं कहते हैं कि भाई मध्यकालीन साहित्य है उसका नवीन विश्लेषण किया जाना चाहिए। कल की क्लास में थोड़ा सा तो मैंने इसके बारे में बताया था। नवीन विश्लेषण यानी आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और यदि अपन इसका आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो शायद हम इसकी मूल तह तक पहुंच जाएं। मूल तह तक पहुंच जाएं कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो किन प्रतिमानों पर साहित्य को परखता है, साहित्य को समझता है, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति विशेष का ले लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति है जिसके लिए अपन यूं कहें कि भाई एक व्यक्ति है जिसके बारे में 10 लोग यूं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, जबकि 10 लोग यूं कह रहे हैं कि बहुत बुरा है, मेरे साथ उस समय ये किया था, मेरे साथ ये किया था। तो वहां पर है कि वो किन किन घटनाओं के आधार पर उसको अच्छा या बुरा बता रहे हैं, तो वो चीज मैटर करती है। तो यहां पर ये भी कहते हैं कि भी भक्तिकालीन साहित्य के जो साहित्यिक प्रतिमान है उनको फिर से विश्लेषित किया जाना चाहिए, फिर से उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, उनकी व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि अपन इनका गूढ़ अध्ययन करते हुए इनको आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर परखते हुए और इनको आगे ले जा सके। आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं कि किसी भी विषय को परखने के लिए सबसे अधिक कारगर साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन करने के लिए और मन के साथ साथ व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो यहां पर यदि अपन देखते हैं कि भाई कबीर दास जी ने जातिगत भेदभाव का विरोध क्यों किया, क्योंकि उनके मस्तिष्क में वो चीज बैठी हुई थी, क्योंकि वो खुद भेदभाव झेल रहे थे। उनके व्यवहार, उनका जो व्यवहार था वो इस प्रकार का था कि वो किसी का भी विरोध कर उठते थे, जो भी गलत बात उन्हें लगती थी उसका विरोध करते थे। तो यहां पर जो है वो उसका व्यवहार और उसका मन दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए वो यूं कहते हैं कि भाई आधुनिक मनोविज्ञान के तहत, मनोविज्ञान के प्रतिमानों के तहत हमें भक्ति साहित्य का नवीन विश्लेषण करना है। ये कहते हैं कि अनेक विद्वान हैं जो विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, परंतु जब वो समीक्षा करते हैं तो वो किस प्रकार से समीक्षा करते हैं? कोई तो ऐसा विद्वान आता है जो इस साहित्य में रहस्यवाद मानता ही नहीं है, कहता है रहस्यवाद है ही नहीं, कुछ सिर्फ और सिर्फ रहस्यवाद मानकर ही इसकी समीक्षा कर बैठता है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि भाई सामाजिक साहित्य था ये, समाज के संबंध में, समाज सुधार से, समाज की व्यवस्थाओं से, समाज में व्याप्त बुराइयों से संबंधित ये साहित्य था। परंतु कुछ यूं कहते हैं कि वे सामाजिकता नहीं थी, जो मूल पक्ष था वो आध्यात्मिकता था, वो सामाजिकता मानते ही नहीं है। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूं कहते हैं कि भाई दार्शनिक साहित्य है ये, और ये दार्शनिक पृष्ठभूमि पर ही पूरे के पूरे साहित्य को विश्लेषित कर देते हैं।
भक्तिकालीन साहित्य को कुछ लोग रहस्यवाद मानते हैं। रहस्यवाद नहीं, यानी एक व्यक्ति तो ऐसा आता है, एक कवि, एक समीक्षक ऐसा आता है जो इसको रहस्यवाद की कसौटी पर ही कसकर चला जाता है। कुछ आते हैं जो सामाजिकता की कसौटी पर कसकर चले जाते हैं, और कुछ सामाजिकता का तो विरोध कर जाते हैं और आध्यात्मिकता की कसौटी पर कसने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करने लगते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि चाहे रहस्यवाद कह दो, चाहे सामाजिक कह दो, चाहे आध्यात्मिक कह दो, चाहे दार्शनिकता कह दो, सबकी यदि अपन अलग अलग बात करेंगे तो वो एकांगी ही रहेगा। एकांगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का अध्ययन, एक अंग का अध्ययन ही रहेगा, संपूर्ण विश्लेषण तो नहीं कर पाएंगे। और यदि अपन एकांगी अध्ययन किसी भी मध्यकालीन काव्य का करते हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? एक पक्ष, मान लीजिए कि दो पक्षों के मध्य कोई विवाद चल रहा है, आपने एक बार एक पक्ष की बात सुनी और आपने दूसरे वाले को बुरा बता दिया, यह अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी पक्ष के पास आप गए हैं उसकी बात सुनने के लिए, तो वो अपने आप को कभी बुरा नहीं बताएगा, वो अपनी रूपरेखा तैयार रखेगा, उसी के अनुसार वो चीजें बयां करेगा। यदि आप दोनों पक्षों की बात सुनते हो, और दोनों ही नहीं, नंदुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि भाई सभी पक्षों पर विचार करो, यदि आप सभी पक्षों पर विचार कर पाते हैं तभी आप एक बहुत ही सुंदर समीक्षा करने में सक्षम हो पाते हैं, बहुत ही सुंदर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। और जब आप सभी पक्षों का संपूर्ण विश्लेषण कर लेंगे तभी आप इस साहित्य का भी एक बहुत ही सुंदर खाका तैयार कर पाएंगे, बहुत ही सुंदर स्वरूप तैयार कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई भक्ति साहित्य का भी यदि विश्लेषण करना है तो किस आधार पर करना है, उसके सभी पक्षों को देखते हुए उसका विश्लेषण करना है। ये नहीं कि भाई एक पक्ष को उठाया और उसके आधार पर आपने उसकी समीक्षा करना शुरू कर दिया, तो वो संभव नहीं है, और वो कहीं ना कहीं है वो सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि एक पक्ष से एकांगी अध्ययन करने से और इसका जो भी मतवाद है या इसकी जो भी चीजें हैं वो कहीं भी सफल नहीं हो पाएगी। तो यहां पर भक्ति साहित्य के बारे में बात करने के बाद नंदुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अब अपन इस बात पर विचार करते हैं कि भाई भक्ति साहित्य और छायावाद, इन दोनों में अंतर क्या है। भक्ति साहित्य और छायावाद, इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर तो अपन तभी कर पाएंगे जब अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसको भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर मानवीय दृष्टि है, पिछली क्लास में अपनों ने देखा था, सामाजिक दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि है, प्राकृतिक दृष्टि है, प्राकृतिक दृष्टि है, और यदि यहां की बात करें तो यहां पर है वो जितनी भी काव्य धाराएं ले लें, आप कबीर को ले लीजिए, तुलसी को ले लीजिए, सूर को ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए, इनका ऊपरी स्वरूप है, ऊपरी स्वरूप वो अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई पड़ेगा, यूं लगेगा कि ये सभी अलग अलग विचारधाराएं हैं। कैसे? कि मीरा है वो कृष्ण को माधुर्य रूप में देखती है, पति के रूप में देखती है, मेरो तो नहीं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब वो तो भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है, और इधर यदि अपन सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी तो दास बने हुए हैं, भगवान कृष्ण की दास्य भाव की भक्ति करते थे, परंतु बाद में जाकर इन्होंने क्या किया था, सख्य भाव की भक्ति करना शुरू किया था। दोनों को भी अपन ले तो दास और सखाई थे। इधर कबीर दास जी की बात करें तो कबीर दास जी तो निर्गुणी हो गए, और अगर निर्गुणियों में भी ले अपन तो निर्गुणी भी बहुत थे, दादू संत थे, कबीर संत थे, तो ये जो जितने भी संत कवि थे उनकी भी विचारधारा सबकी अलग अलग थी, उनकी मान्यता अलग अलग थी, उनका काव्य का स्वरूप अलग अलग था।
तुलसी को ले लीजिए, तुलसी के राम भगवान कृष्ण की तरह रासलीला नहीं करते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रहने वाले हैं, वो स्वयं भी मर्यादा में रहते हैं और साथ साथ सभी औरतों का सम्मान भी करते हैं, सभी स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब तुलसीदास जी क्या है, तुलसीदास जी तो इनके ऐसे भक्त है जो अपने आप को बिल्कुल निकृष्ट व्यक्ति मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हो पतितन को टिको, मैं तो पतितन का टिका हूं। पतितन का टिका जो लगाया जाता है, तिलक जो लगाया जाता है, वो ऊंचा माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। और पतित, पतित होने का मतलब क्या होता है, गिरना, गिरना यानी एक व्यक्ति गिर जाए। गिर जाए का मतलब यह नहीं है कि वो शारीरिक रूप से गिर जाए, जब वो मानसिक रूप से गिर जाए तो उसे पतित कहा जाता है। मानसिक रूप से गिरने का मतलब है कि एक व्यक्ति बुरा व्यवहार करने लग जाए, बुरा आचरण करने लग जाए, तो अपन कह देते हैं कि ये गिरा हुआ व्यक्ति है। तो गिरना किसे कहते हैं, पतित। अब पतितन को भी टिको, मैं तो पतित व्यक्तियों में भी सबसे ऊंचा हूं, अर्थात मैं तो सबसे बड़ा पतित व्यक्ति हूं, परंतु मेरा उद्धार तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपका नाम लिया है। आपको अपने यश को बनाए रखने के लिए, आपको अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए और मेरा उद्धार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका यश, और आप ये कहते हैं कि भी मुझे प्रेम से जो याद करता है, मैं उसे उसका उद्धार करता हूं, तो मैंने प्रेम से याद किया है, तो आपको अपनी बात की इज्जत रखने के लिए, अपने यश की इज्जत रखने के लिए मेरा उद्धार करना पड़ेगा। मेरा क्या, मैं तो पतितों का भी टिका हूं, हो पतितन को टिको, मैं तो गिरे हुए व्यक्तियों में भी सबसे बड़ा गिरा हुआ हूं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी यहां पर ऐसी बात कहते हैं। जैसी जैसी तो प्रेम का राग अलाप रहे हैं, हिंदू गुरुओं की प्रेम कहानियों को उठाते हैं और उनमें भी अप्रत्यक्ष रूप से और प्रेम के माध्यम से, और वो भी बिल्कुल अन्य साहित्य से विपरीत। कैसे, मैंने आपको बताया था समासोक्ति है। तो यदि ऊपरी स्वरूप देखा जाए तो भक्ति साहित्य में सारे के सारे सारी चीजें हैं वो विपरीत दिखाई देगी, परंतु फिर भी इनके अंदर एक चीज है जो दार्शनिकता है, जो आध्यात्मिकता है, वो सब में है, परंतु दार्शनिकता प्रकट करने का अलग अलग माध्यम है, आध्यात्मिकता प्रकट करने का अलग अलग माध्यम है। निर्गुण वाले कहते हैं कि हमारा राम तो कण कण में वास करता है, हमारी आत्मा में वास करता है, आत्मा में ढूंढ लीजिए। सगुण वाले कहते हैं कि भी हमारा कृष्ण भगवान के भक्त है, वो मानते हैं कि हमारा जो आराध्य है वो मोर का मुकुट पहनता है, गले में वैजयंती माला पहनता है, कमर पर करघनी पहनता है, पैरों में छोटे छोटे घुंघरू पहनता है। अब यहां पर और उसी के प्रति पूरी श्रद्धा व्यक्त की गई है। राम की यदि माने तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उसी प्रकार से इन्होंने विश्लेषित किया जिस प्रकार से एक राजा के पुत्र को विश्लेषित किया जाता है। तो इसलिए यहां पर भक्ति साहित्य में अलग अलग चीजें दिखाई देती है, ऊपर से भी ये साहित्य अलग दिखाई देता है, अंदर हालांकि ये चीज है परंतु इस चीज को भी प्रकट करने के तरीके अलग अलग है। अब इनको किस आधार पर समझे भाई, ताकि हम इससे अच्छे से तुलना कर सकें कि भाई भक्ति साहित्य व छायावाद में क्या अंतर है। तब नंदुला रिवाज भी कहते हैं कि भाई आधुनिक जो मनोविज्ञान है ना, आधुनिक मनोविज्ञान, उसके आधार पर इसका संपूर्ण विश्लेषण करो, पहले इसको समझो। हालांकि अपनों ने इसको पूरा समझ लिया है, परंतु पूरा समझा किस आधार पर है, प्राचीन काल से चली हुई विचारधारा के आधार पर। ये कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर समझो, मनोविज्ञान के आधार पर आप जैसे ही इसको समझोगे ना, वैसे ही आपको ये समझ में आएगा इसके अंदर की बात, यानी इसकी आत्मा समझ में आएगी। और जब इसकी आत्मा समझ में आ जाएगी, इसका संपूर्ण एकांगिनी सभी पक्षों का विश्लेषण कर लेंगे, तब फिर हम इसका छायावाद के साथ अंतर समझ पाएंगे। तो ये कहते हैं नंदुलारे वाजपेयी।
आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।